त्योहारी सीजन में राजधानी दिल्ली में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की सूचना और देश में जैसे मोहम्मद के आतंकियों के प्रवेश करने की सूचना के बाद कांगड़ा जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके मद्देनजर हिमाचल व पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने ढमडाल व बद्रोहा के जंगलों में सर्च अभियान चलाया। इसके अलावा चक्की खड्ड के किनारों में जाँच की। इसको गुप्तचर विभाग से सूचना मिली थी कि पंजाब व हिमाचल के सटे क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। दोनों राज्यों की टीम ने ढमडाल और बद्रोहा के 10 किलोमीटर जंगल में गहनता से जांच की। इसके बारे में जब पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आतंकी घटना की कोई ऐसी बात नहीं है। अपने पड़ोसी राज्य में आतंकी हमले की जनपुट को लेकर पंजाब व हिमाचल पुलिस कर्मियों द्वारा ये अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि ये रूटीन वर्क भी है। पशु मंडी व किसान मेला नमहोल का शुभारंभ अमरजीत सिंह बंगा अध्यक्ष जिला परिषद बिलासपुर द्वारा टेल स्टेडियम नमहोल में किया। प्राचीन राम मंदिर नमहोल में पूजा अर्चना के उपरांत शोभा यात्रा भी निकालेगी तथा मेला मैदान में मुख्य अतिथि द्वारा बैल पूजन करके खुंडा गाड़ा गया। मेला कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि को शॉल टोपी तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा जनता को संबोधित करते हुए बताया कि मेले आपसी भाईचारे के प्रतीक हैं और मेले हमारी संस्कृति है और मेलों में कोई भी राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मेलों को आपसी भाईचारे में करवाने चाहिए ताकि हमारा समाज बच सके और मेलों में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले सके। उन्होंने बताया कि इस मेले में मुझे 3 बार आने का मौका मिला है। इस मेले में मुख्य अतिथि के साथ मेला समिति के वरिष्ठ सदस्य विकास ठाकुर व नमहोर BDC सदस्य जीवन लता ठाकुर, ग्याल पंचायत प्रधान पदम देव शर्मा, मेला कमेटी प्रधान बाबूराम सिसोदिया, महासचिव शोभा राम ठाकुर, कोषाध्यक्ष नंदलाल कौंडल, मीडिया प्रभारी सुभाष ठाकुर व मेला समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। सोलन में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष में शानदार शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शौंडिल ने किया। इस मौके पर भगवान राम से जुड़ी झांकियों का प्रदर्शन किया गया। ये शोभा यात्रा नाचते गाते हुए सोलन के सिल्ली रोड से होते हुए मुख्य बाजार में पहुंची। उसके बाद शोभा यात्रा को माल रोड और फिर पुराने DC ऑफिस तक निकाला गया। इस मौके पर सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शौंडिल ने भी सभी को इस मौके पर मुबारकबाद दी और कहा कि जहां एक और गुरु वाल्मीकि ने न केवल रामायण लिखी बही बल्कि उन्होंने लव कुश को भी आश्रय दिया था। उन्होंने कहा कि देश में फिर से बही राम राज्य आना चाहिए जिससे सभी लोग एक समान हो। उन्होंने कहा कि आज उन्हें भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिला जिसकी वजह से उनका आशीर्वाद पाकर उनका जीवन भी सफल हो गया। हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकास नगर में दूसरा वार्षिक उत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। इसमें कक्षा 3, 6, 8 और 12 के छात्रों ने भाग लिया। वार्षिक उत्सव में नन्हे होनहारों से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों ने अपने हुनर का जलवा बिखेरा। रंगारंग कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियों से सबको चकित कर दिया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस डॉक्टर संगीता चंदेल हमीरपुर में शिरकत की। विशेष अतिथियों के रूप में कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा, ग्रुप कैप्टन अमित पाल तथा मौसमी पाल, एयर कमांडो रवि किशन तथा कमलेश शर्मा तथा कैथरीन आर्मस्ट्रांग ने शिरकत की। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य अकादमिक डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजय प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इनमें शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय का नाम रोशन करने वाले छात्र 2018-19 को श्रेया गुप्ता, मुस्कान ठाकुर, चैनसिया मृदुल, अतिथि अमन जगोत्रा, अनमोल शिवम, राघव सिंगला, पंकज और राज के साथ ही खेलों में विद्यालय का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों सूर्या प्रशिक्षित, अभिनंदन बिहा, पूर्वी शौर्य, आर्यन खुशी, लक्ष्य और मेघना को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 3, 6, 9 व 12 के विभिन्न प्रतियोगियों ने भाग लेने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के विधिवत निष्पादन में अकादमिक समन्वयकों शशि बाला, कंचन लखनपाल, संगीत व नृत्य अध्यापकों कुमारी हिमानी, आकाश मनोज कमल, संतोष प्रिया मुनीस के साथ कला विभाग के अध्यापकों रेणु उमा व आईपी विभाग के अध्यापकों सुजान अमित नविता पूजा रजत और कविता ठाकुर को भी खास सहयोग रहा। रजिस्ट्रार रमन किशोर इवेंट मैनेजर पूजा ठाकुर एवं कविता ठाकुर कल्चर हेड रजनी बैंड हेड मनीषा मारवाब सुषमा ठाकुर एवं डीना ठाकुर के अतिरिक्त विद्यालय अध्यापकों अश्विनी कुमार संजीव ठाकुर पीयूष दीपक ठाकुर सुमन नीलम ठाकुर कुमारी पारिका संगीता ठाकुर मोनिका शर्मा भारती शर्मा अंजना शर्मा व अशोक कुमार सहित विद्यालय के संपूर्ण स्टाफ को भी भरपूर सहयोग रहा। यह कार्यक्रम चेयरमैन प्रोफेसर आरसी लखनपाल सह चेयरमैन सीपी लखनपाल निदेशक इंजीनियर पंकज लखनपाल प्रधानाचार्य नैना लखनपाल एवं प्रधानाचार्य अकादमिक डॉक्टर हिमांशु शर्मा के दिशा निर्देशन में विधिवत रूप से संपन्न हुआ।